हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जेपीएससी ने कम की परीक्षा फीस, अवशेषों की जगह 100 रुपया देना होगा। हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान किया था ऐलान। झारखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शुल्क कम कर दिया है, अब 600 की जगह 100 रुपया ही लगेगा। इस संबंध में जेपीएससी ने पूर्व में निकले विज्ञापन में संशोधन कर नोटिस जारी कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कई फीस के संबंध में जानकारी साझा करते हुए लिखा कि शुल्क में बदलाव का आदेश आपके समक्ष है। नई फीस के मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 100 रुपये और आदिम जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 50 रुपये फीस देना होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेपीएससी की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपये से अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी, लेकिन जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में इसका फीस 600 रुपये निर्धारित किए गए थे। इसके बाद सरकार की आलोचना हो रही थी। रांची में इंटरनेशनल रेस वॉक का आगाज। पहले दिन हरियाणा के संदीप और राहुल के साथ यूपी की प्रियंका ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में लिया ओलंपिक का टिकट। कोरोना के खौफ के बाद रांची में पहला अंतर्राष्ट्रीय इवेंट शनिवार से शुरू हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता का आगाज मोरहाबादी मैदान में हुआ। पहले दिन हरियाणा के संदीप कुमार राहुल व उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर वॉक प्रतियोगिता में ओलंपिक खेलने की पात्रता हासिल कर ली है। संदीप कुमार ने जहां 1 घंटे 20 मिनट 16 सेकेंड का समय निकाल टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बनाई, जबकि राहुल ने 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकेंड का समय निकाला। वहीं प्रियंका ने 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। साथ ही झारखंड के विकास कुमार इस प्रतियोगिता में 4th स्थान पर रहे। रांची से जयपुर, गुवाहाटी एवं लखनऊ समेत देश के कई शहरों के लिए कब से भर सकेंगे उड़ान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम व लखनऊ सहित देश के कई शहरों के लिए विमान सेवा की शुरुआत अप्रैल से होगी। प्रतिदिन 32 विमान रांची आएगी और जाएगी। झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने ये जानकारी दी। झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर, देवघर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर, विमान सेवा कंपनी एयर एशिया, एयर इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट व एयरलाइंस के सीईओ के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अप्रैल से देश के इन शहरों के लिए लोग उड़ान भर सकेंगे। रांची में 23 जिलों की बराबर संक्रमित, झारखंड में 464 एक्टिव मरीज बचे, इनमें 232 रांची में है। 4 जिले कोरोना मुक्त हुए। कोरोना का प्रकोप झारखंड में हर बीतते दिन के साथ कम होते जा रहा है। राज्य के 4 जिले गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ जहां कोरोना मुक्त हो चुके, वहीं 12 जिलों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 से नीचे पहुंच गया है। इनमें 9 जिले ऐसे हैं जहां 5 से भी कम एक्टिव मरीज बचे हैं। रांची में अभी भी कोरोना का खौफ बरकरार है। राज्य भर में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज रांची में है। राज्य के 23 जिलों में जितने एक्टिव मरीज बचे हैं उतना अकेले रांची में है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 11 फरवरी तक राज्य में कुल 464 एक्टिव मरीज बचे हैं, इनमें 232 अकेले रांची में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी बोली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCL की पहल सराहनीय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने CCL में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। महिलाओं की सुरक्षा और उनसे संबंधित विषयों पर गुरुवार को इंटरनल कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि चंद्रमुखी देवी ने कहा कि कार्यस्थलों पर स्वस्थ वातावरण बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।
इससे महिला कर्मचारी निर्भय होकर अपना काम करती है। निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने कहा कि प्रबंधन महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति शुरू से ही संवेदनशील रहा है। बेहतर शिक्षा की आस IIM के ड्रेंट होंगे 80 मॉडल स्कूलों के शिक्षक। बच्चों के लिए लैंग्वेज लैब सभी पंचायतों में खुलेंगे मॉडल स्कूल। शिक्षा विभाग राज्य में जिन 80 स्कूलों को मॉडल बना रहा है उनके हेडमास्टर और शिक्षक IIM में प्रशिक्षित होंगे। पठन पाठन क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए IIM के अलावा XLRI, NCERT, NEIP जैसी संस्थाओं से प्रशिक्षण की योजना है। विषयवार छात्र केंद्रित अध्यापन के लिए नियमित रूप से शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। बच्चों को अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए NCERT, NEIP की सहयोग लिया जाएगा। स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स तैयार किया जाएगा। कोयले के धंधे में घाटा हुआ, भरपाई के लिए मांगी रंगदारी, कोर्ट में पुलिस पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। गोविंदपुर में महिला जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगे जाने के मामले पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी शूटर अमन सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी ऋत्विका सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद अमन को पुलिस वापस रांची जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में अमन ने धनबाद में व्यवसायिक से रंगदारी मांगे जाने की बात स्वीकार की। उसने कहा कि गोविंदपुर सिटी फैल्यू पेट्रोल पंप पर उसने के कहने पर फायरिंग की गई थी। तेतुल मारी में आउटसोर्सिंग के GM पर उसने फायरिंग करवाई थी। अमन ने स्वीकार किया कि वह धनबाद में छोटे स्तर के अपराधियों को इस्तेमाल करते थे। पुलिस को उसने कुछ नाम भी बताए जिनके बारे में पुलिस ने पता लगाना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि धनबाद में व्यवसायियों से रंगदारी मांगे जाने को लेकर गोविंदपुर पुलिस ने अमन को पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी ऋत्विक सिंह को कोर्ट में आवेदन दिया था। अदालत ने अमन सिंह को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया था। कोरोना काल में छीना निवाला रजिस्टर में 100% हस्ताक्षर पर 30% बच्चों को नहीं मिले नकद पैसे। कोरोना काल में राज्य की सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना में भारी गड़बड़ियां सामने आई। स्कूल बंद होने के कारण पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के घर जाकर चावल व कुकिंग कॉस्ट के पैसे देने हैं, पर राज्य भर में लगभग 30% बच्चों को कुकिंग कॉस्ट के पैसे नहीं मिले। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को इसकी शिकायतें मिली है। अब शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी स्कूल ना तो इसका ऑडिट करा रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। प्राधिकरण को मिली शिकायतों के आधार पर जब भास्कर ने पड़ताल की तो कोडरमा, गुमला, रामगढ़, रांची, खूंटी में सबसे ज़्यादा छात्रों और अभिभावकों ने बताया कि घर आकर कुकिंग कास्ट की नकद राशि नहीं दी गई। राज्य भर के लगभग 30% बच्चों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे, हालांकि चावल मिले। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।